हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास हमारी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। एंड कल हमने इसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, पॉलिनोमियल रिंग्स एंड यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके डेफिनेशन वगैरह, कुछ थ्योरम्स वगैरह कल मैंने आपको बताई थी, आज स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन को। तो देखिए, इसमें मैंने कल आपको सबसे लास्ट में कुछ प्रॉपर्टीज लिखाई थी, किसकी, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और मैंने कहा था इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आपको उनके फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला लेक्चर देख लिया कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा लर्न। आपके सामने मैंने लिख दिया है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो पॉलिनोमियल है, एक फंक्शन ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स, तो उस कंडीशन में अगर आपसे कहे कि इनका एडिशन कीजिए, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स निकालिए, तो ये किसके इक्वल होगा, इस कंप्लीट सीरीज के इक्वल होगा। और यहाँ पे सी नॉट, सी वन, सी टू कैसे निकालोगे आप, याद रखना सी एन किसके इक्वल होगा, ए एन प्लस बी एन के इक्वल होगा। और ए एन आपको कहां से मिलेगा, जो फंक्शन ऑफ एक्स में कोफिशियंट होंगे, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर जीरो के, इन सब के। और बी वाली टर्म आपको कहां से मिलेगी, जो सेकंड फंक्शन होगा उससे, ठीक है। अगर बात करें मल्टीप्लीकेशन की, तो फॉर्मूला होता है ये, जहां पर डी जीरो, डी वन, डी टू, ये सब आप कहां से निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। कैसे, एन के प्लेस, अगर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, डी जीरो की वैल्यू चाहिए, तो इस वाली सीरीज में एन के प्लेस पे क्या पुट कर दो, जीरो। अगर आपको डी वन की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ पे एन के प्लेस पे वन पुट कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एड एंड मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स। यानी कि जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स, आपको क्या करना है, इनका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करना है। एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनका एडिशन निकालना है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास में क्या है, यहां से देखिए, टू एक्स टू दी पावर जीरो प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब। उसके बाद में फिर प्लस साइन, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में, थ्री एक्स टू दी पावर जीरो फोर एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स टू दी पावर फोर है। यहां तक क्लियर है। अब यहां से देखो, अब इसमें करना है जी आपको फॉर्मूला अप्लाई। पहले x टू दी पावर जीरो वाली टर्म देखना आपके पास है, हां जी है, तो इसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, c जीरो की वैल्यू चाहिए। अब c जीरो की वैल्यू कैसे मिलेगी, इस वाले टर्म में n के प्लेस पे जीरो रखो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a जीरो प्लस b जीरो। तो a जीरो और b जीरो की वैल्यू देखो, a जीरो क्या होता है, जो यहाँ पे x की पावर जीरो का कोफिशियंट होगा, यानी कि टू, प्लस बी जीरो, बी जीरो क्या होगा, जो एक्स टू दी पावर जीरो का कोफिशियंट होगा नेक्स्ट वाले पॉलिनोमियल में, तो कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। फिर प्लस, अब नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी हमारे पास में, सी वन एक्स की पावर वन, तो सी वन के लिए आप क्या रखोगे, यहां से देखिए एक्स की पावर वन का कोफिशियंट क्या है, फाइव, यहां से एक्स की पावर वन का कोफिशियंट क्या है, फोर, और इंटू में कितना आ जाएगा, एक्स की पावर वन, यानी कि एक्स। फिर प्लस कितना है वहां पे, सी टू एक्स स्क्वायर, सी टू क्या होगा, फर्स्ट वाले फंक्शन में से एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और सेकंड वाले फंक्शन में से एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो ये बताइए क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो इसीलिए इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या लोगे आप, जीरो लोगे, और इनटू में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चलो, अब हमारे पास में क्या है, क्यूब वाली भी टर्म है, तो प्लस साइन, क्यूब वाली टर्म के लिए आप क्या करोगे, देखो इस वाली टर्म का कोफिशियंट कितना है, माइनस फोर, यहाँ से देखो क्यूब वाली टर्म का कोफिशियंट कितना है, माइनस वन है, इनटू में कितना जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर प्लस साइन, उसके बाद में एक्स टू दी पावर फोर वाली चाहिए हमें, क्योंकि हमारी टर्म्स कहाँ तक जा रही है, एक्स की पावर फोर तक जा रही है, लेकिन इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स की पावर फोर वाली टर्म नहीं है, तो इसलिए हम उसका कोफिशियंट क्या लेंगे, जीरो लेंगे, और इस वाले पॉलिनोमियल में से एक्स की पावर फोर का कोफिशियंट क्या लेंगे, फाइव, और इंटू में कितना है, एक्स टू दी पावर फोर है। ये बातें समझ में आ गई, अगर नहीं आएंगी थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएंगी। सोल्व कर दीजिए, थ्री टू फाइव एक्स टू दी पावर जीरो, फाइव फोर नाइन एक्स, थ्री में जीरो को ऐड करोगे थ्री आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस फोर माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस के फाइव एक्स क्यूब,
यहाँ से आपको क्या मिलेगा, प्लस के 5x^4, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसके लिए ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, f(x) + g(x) की। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन आपको एक होमवर्क से करने के लिए भी दिया जाएगा, तो सारा फोकस अपना बोर्ड पर ही रखना। नेक्स्ट क्या करोगे, f(x) × g(x), तो f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2x^0, 5x + 3x² - 4x³, और gx की वैल्यू क्या है, 3x^0, 4x - x³ + 5x⁴ है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करोगे, ये टर्म किसके इक्वल है, इस सीरीज के। तो सबसे पहले हमें चाहिए किसकी वैल्यू, d0 की। अब d0 की वैल्यू कब मिलेगी, यहां से निकाल लो, d0 इज इक्वल्स टू a0 और b, n के प्लेस पे क्या पुट करोगे, b0। अब देखो, अगर आप इससे आगे वाले टर्म में 0 पुट करोगे तो 0 - 1, ये -1 - 2 वाले टर्म्स आ जाएंगी, जो कि हमारे पॉलिनोमियल्स में नहीं गिवन है। तो इसीलिए हम इसके लिए तो क्या करेंगे, सिर्फ एक वैल्यू निकालेंगे। अब आप मुझे बताइए, a0 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और b0 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 3 है, तो 2 × 3 कितने हो जाएंगे, 6। इसका मतलब d0 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 6 आ गई। डायरेक्ट लिख दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6x^0, फिर प्लस क्या लिखा हुआ है, d1x, तो हमें क्या चाहिए, d1 की वैल्यू। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, d1 हो जाएगा, ये a0 रहेगा, n के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, b1 हो जाएगा, फिर प्लस साइन a1, फिर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। इससे आगे अगर आप 1 पुट करोगे टर्म्स में तो 1 - 2 - 1, फिर से माइनस वाली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ओनली 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे। देखना, a0 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू, b1 कहाँ से मिलेगा, आप एक चीज समझ गए ना, x 0 है तो इसका कोफिशियंट क्या होगा, a0। x^1 है, इसका कोफिशियंट क्या होगा, a1। x² है, इसका कोफिशियंट क्या होगा, a2 होगा। समझ रहे हो, इस तरीके से सीरीज चलती है, सेम ऐसे b के लिए चलती है, b1 x^1, b2 x^2, ठीक है, ऐसे चलती है सीरीज। ये तो आपको कल वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, तो एक बार यही से समझ लो। देखो, a0 क्या होगा, 2 होगा, मल्टीप्लाई b1 क्या होगा, यहाँ से देखो, b1 क्या बताया मैंने, x का कोफिशियंट, तो ये सेकंड पॉलिनोमियल से मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 4। फिर a1 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, a1 क्या होगा, x^1 का कोफिशियंट यानी कि 5। और b0 कहाँ से मिलेगा, सेकंड पॉलिनोमियल से, जो x^0 का कोफिशियंट होगा यानी कि 3। तो टर्म क्या आ गई, 4 × 2 = 8 और 5 × 3 = 15 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या निकल कर क्या आई, d1 की वैल्यू 8 + 15, और किसके लिए आई है ये, सिर्फ x^2 के लिए। क्लियर है यहां तक बात। इसके बाद में आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है, d2। तो d2 के लिए आप क्या करोगे, देखो यहां पे देखो, a0 b n के प्लेस पे 2 पुट कर दो, फिर a1 b 2 - 1 कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, फिर प्लस a2 b n - 2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। इससे आगे हमें 0 से आगे सोल्व नहीं करना, जब सेकंड वाली टर्म हमारी 0 आ जाए उससे आगे सोल्व नहीं करना, क्योंकि उससे आगे में माइनस में टर्म्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। देखना, a0 की वैल्यू क्या है आपके पास में, 2 है। b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से स्क्वायर वाले टर्म नहीं है, स्क्वायर वाले टर्म नहीं है, तो b2 की वैल्यू क्या है, 0। 0 है तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा। फिर a1 क्या है आपके पास में, 5 है। b1 आपके पास में कितना है, 4 है, तो 5 × 4 = 20। फिर प्लस a2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, यहाँ से 3 है। और b0 की वैल्यू आपके पास में क्या है, यहाँ से 3 है, तो 3 × 3 = कितने हो जाएंगे, 9। ये किसके लिए आ गया आपका, x² के लिए आ गया। समझ में आ रही है बातें आपको। अब चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, अब हमें क्या करना है, क्यूब वाली टर्म के लिए निकालना है। तो देखो, यहाँ पे आप क्या रखोगे, 3 पुट करोगे, तो यहाँ पे आपके पास में 3 आ जाएगा,
यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, यहाँ पे आपके पास 1 आएगा और फिर इससे अगले जब आप टर्म निकालोगे ये क्या आएगी, A3B0 आएगी। समझ रहे हो? तो ये आपको कहाँ तक करना है, जहां तक आपकी सॉल्व होती जा रही है टर्म वहां तक करना है। अब देखो A0 की वैल्यू कितनी है 2 और B3 की वैल्यू क्या है -1, तो 2 - 1 कितना आएगा आपके पास -2। फिर A1 की वैल्यू कितनी है 5, B2 है नहीं तो ये टर्म क्या हो जाएगी जी 0। फिर नेक्स्ट देखो A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है और B1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 × 3 = कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। A3 की वैल्यू कितनी है -4 और B0 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 × 4 से ये क्या हो जाएंगे आपके पास -12 इंटू किसके लिए आ गई ये हमारी x की पावर 3 के लिए। इसके बाद में बात करते हैं हम किसकी 4 की, तो ये टर्म्स इंक्रीज होती चली जाएंगी, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और एक और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी ये 4B0 वाली। इसी तरीके से टर्म्स जो है ये इंक्रीज होती चली जाएंगी भाई। अब यहाँ से देखो इसके लिए सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से आगे लिख रही हूँ मैं, A0 कितना है 2 और B4 कितना है 5, तो 5 × 2 = 10। नेक्स्ट टर्म क्या है A1, A1 की वैल्यू कितनी आपके पास में है 5 है और B3 की वैल्यू आपके पास में कितनी है -1 है, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म पे आइए, A2 की वैल्यू कितनी है 3 है और B2 इसमें है नहीं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। फिर नेक्स्ट टर्म पे आइए, A3 की वैल्यू क्या है -4 है और B1 की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 × 4 = कितने हो जाएंगे -16। फिर आइए A4 हमारे पास में है नहीं तो ये टर्म हो जाएगी जी 0। ये किसके लिए आ गई, x⁴ के लिए आ गई। अब 5 के लिए देखो, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और एक और टर्म इंक्रीज हो जाएगी ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी टर्म हमारी ऑलरेडी 0 है, B5 वाली टर्म हमारी 0 बन जाएगी, ठीक है, A5 वाली हमारी टर्म 0 बन जाएगी और बाकी इनको सॉल्व कर करके देख लेते हैं। देखो A1 B5 मैंने 0 कैसे बताया, क्योंकि x⁵ वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करी तो उसका कोफिशियंट 0 लेंगे और 0 की मल्टीप्लाई A0 में करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिएगा क्या है, A1 क्या है जो x का कोफिशियंट है यानी कि 5 और B4 क्या है जो x⁴ का कोफिशियंट है यानी कि 5, तो 5 × 5 = कितने हो गए 25। फिर प्लस A2 की वैल्यू आपके पास में क्या है 3 है और B3 की वैल्यू क्या है -1, तो 3 × 1 = 3 आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा A3 की वैल्यू कितनी है -4 और B2 की वैल्यू आपके पास में कुछ नहीं है तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। ये देखिएगा A4 की वैल्यू हमारे पास में कुछ है नहीं है तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास में क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या आ गई x⁵ के लिए आ गया, ठीक है। सिमिलरली 6 के लिए निकालो, जब तक कि हमारे पास में 0 नहीं बच जाता तब तक हमें सोल्व ही करते जाना है, ठीक है। ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये यहाँ पे ये B1 होगा और फिर उसके बाद में ये 0 वाली टर्म आएगी, ठीक है। अब इसके लिए सोल्व करते हैं, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी हमारी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से देखो B5 आ रहा है, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी है 3 है और B4 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 3 × 5 = 15। फिर प्लस साइन, A3 की वैल्यू कितनी है -4 और B3 की वैल्यू कितनी है -1, तो -± + 4 × 1 = 4 हो जाएंगे। यहाँ से देखिएगा A4 हमारे पास है नहीं तो बाकी टर्म क्या हो जाएंगे 0। ये किसके लिए आ गया, x⁶ के लिए। सिमिलरली x⁷ के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 6 5 4 3 2 1 और 0, ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है हमारी, ये A5 वाली भी 0 होगी, A7 वाली भी 0 होगी, A6 वाली भी 0 होगी, ठीक है। ये वाली देख लो, A3 की वैल्यू हमारे पास में क्या है -4 है और B4 की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 × 4 = कितने हो जाएंगे -20। प्लस A4 वाली वैल्यू हमारे पास में है नहीं है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, तो सिर्फ यहाँ पे -20 बचा, x⁷ आ गया,
ठीक है। अब एक बार एट के लिए और देख लेते हैं, यहाँ पे एट आएगा तो यहाँ पे एट आ जाएगा, यहाँ पे सेवन, ये हमारा हो जाएगा सिक्स, ये हो जाएगा फाइव, ये हो गया फोर, ये हो गया थ्री, ये हो गया टू, और ये हो गया वन, एंड ये हो गया हमारे पास में जीरो। ठीक है जी। अब देखना ये टर्म जीरो, बी सेवन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये जीरो, बी सिक्स पे एग्जिस्ट नहीं करता, बी फाइव एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे ए फोर एग्जिस्ट नहीं करता, ए फाइव एग्जिस्ट नहीं करता, ए सिक्स, ए सेवन, ए एट, कोई सी भी टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू तो है जीरो। तो इसका मतलब सिर्फ हमारी मल्टीप्लीकेशन जो है वो यहाँ तक सोल्व होगी। अब जो भी हमने सोल्व किया है उसको सोल्व करके लिख देंगे। दीदी ये तो बहुत लेंथी सो रहा है, बट ध्यान रखना इसकी कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो गई ना तो फिर क्वेश्चन संभालने में नहीं आएगा। थोड़े थोड़े डिफरेंट है क्वेश्चन, सभी इसी टाइप से होंगे, वरना मोस्टली यहाँ पे टर्म आ जाएगी सिक्स एक्स टू दी पावर जीरो, फिफ्टीन में आप ऐड कर दो एट को, कितना आ जाएगा ट्वेंटी थ्री एक्स, ट्वेंटी और नाइन, ट्वेंटी नाइन एक्स स्क्वायर, प्लस ट्वेल्व में से ट्वेल्व गए तो कितने बचे माइनस के टू, मतलब 12 से 12 कैंसिल आउट तो माइनस के 2 इंटू में एक्स क्यूब। यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 16 और 5 कितने हो जाएंगे आपके पास में 21, माइनस 21 और प्लस के 10 तो कितना आएगा माइनस के 11, 25 माइनस 3 तो यहाँ आ जाएगा 22 एक्स टू दी पावर 5, 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा 19 एक्स टू दी पावर 6, ये आ गया माइनस के 20 एक्स टू दी पावर 7। That is our required answer of this question. एक बार मैच कर लेते हैं यही है या नहीं है, आप इतने नोट कर लीजिए। ठीक है जी। सो इस वाले वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज्यादा इस वाले वीडियो में क्वेश्चन इसलिए नहीं करा पा रही, कभी मैं करा दूं और आपको बाद में की दीदी हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए एक बार इस क्वेश्चन को जैसे कराया एक बार खुद से सॉल्व करके देखना आपसे हो रही है कैलकुलेशन या नहीं हो रही कहाँ पे। अगर वैसे तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अगर कोई भी टर्म ऐसी है जो कि आपको नहीं क्लियर हो रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसी के जैसे ही दो क्वेश्चन और है, लेकिन ये तो डायरेक्टली क्या हो रही थी आपकी, एड भी डायरेक्ट हो रहा था और मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट हो रही थी बच्चों वाली, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी उसमें कैसे होंगे मॉड्यूलो वाली मल्टीप्लाई होंगे, मॉड्यूलो वाला एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह दू 2+ एडिशन मॉडुलो 6, ठीक है 2+1 2 एडिशन मॉडुलो 6 1, ठीक है इसको आपको सोल्व करना है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2+1 लिखूंगी तो आप कहोगे दीदी कितना हो गया 3 हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2+2 एडिशन मॉडुलो 6 और 1 कहूंगी तो इसको सोल्व करने के लिए कहूंगी, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि 2 में 1 को एड करा तो 3 आया, 3 हमारा 6 से छोटा है तो यही आंसर हो गया। लेकिन इन केस अगर यहाँ 7 होता और ये हमारा क्या होता एडिशन मॉडुलो 6 होता, तो इस कंडीशन में क्या होता, इस कंडीशन में अगर मैं आपसे डायरेक्ट कहूँ कि 2 में 7 को ऐड करो तो आप कहोगे कितना आ गया 9 आ गया, लेकिन अगर हम एडिशन मॉडुलो 6 करके सोल्व कर रहे हैं तो क्या करोगे 2 में 7 को ऐड करोगे कितना आएगा 9, ये 9 हमारा इस 6 से कैसा है बड़ा है, तो आप इस 6 से डिवाइड दोगे 9 को, जब आप 6 से 9 को डिवाइड दोगे तो 6 1 6 आपके पास में शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, तो अब इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। इसमें फर्क समझ गए ना, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो 9, लेकिन जब एडिशन मॉड्यूलो वाली बात आ जाती है तो आप क्या करते हो सोल्व करके जो भी आपको मॉड्यूलो साइन दिया हुआ होता है उससे आप डिवाइड करते हो, जो भी टर्म बचती है रिमाइंडर जो भी बचता है वो ही आपका क्या होता है आंसर होता है। एलजेब्रा में 3rd सेमेस्टर में आपको कराया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस, एक बार वहां से रिवाइज कर लेना क्योंकि कल वाले क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो उसमें और ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसलिए बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताना, सॉल्व अपने आप भी करके देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।